नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निखिल गैरेज के चैनल में। और आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं, आज हमारे सामने खड़ी है नेक्सा की फ्रॉन्क्स। इसका डेल्टा प्लस वाला मॉडल है, मतलब सेकेंड टॉप मॉडल है ये। फ्रंट से कुछ ऐसा लुक निकल के आता है नेक्सा फ्रॉन्क्स का, आप देख रहे हैं। ये हमारे परिवार के जो चाचा हैं उन्हीं ने ये गाड़ी ली थी। आप देख सकते हो कि 95X मतलब 2024 वाला नंबर है ये। लास्ट दिसंबर में ख़रीदी थी उनने ये गाड़ी, तो हमने सोचा चलो आज इसका भी रिव्यू कर लिया जाए, क्योंकि भाई साहब नेक्सा फ्रॉन्क्स इस समय पे मार्केट में तबाही मचा रही है। मतलब आप ये समझिए कि 1,00,000+ यूनिट निकल चुकी हैं इस गाड़ी की। चलिए थोड़ी थोड़ी सी बात करते हैं। रिव्यू तो आप सभी लोगों ने देख ही लिए होंगे, लेकिन जब हम बना रहे हैं वीडियो तो थोड़ी बहुत तो हमारा भी बताना ज़रूरी है। सबसे पहले फ्रंट की बात करते हैं तो कुछ सुजुकी का लोगो ऑब्वियस सी बात है मिलेगा। इधर क्रोम की फिनिश मिलेगी देखने को। इधर इस तरफ आ जाते हैं तो ये अपन को ट्राई लेयर में 1, 2, 3 ऐसे DRS देखने को मिलते हैं। इधर क्रोम का पार्ट दिया गया, आप देख सकते हैं। इधर से क्रोम का पार्ट शुरू है 1, 2, 3, 4 और ये बीच में ये 3 लेयर में है। ये Day & Night DRLs हैं LED में। जब भी आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों तरफ के DRLs जलेंगे ऐसे। और मेन हेडलाइट की बात करें तो हेडलाइट भी अपन को LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, जो कि इस तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा इसमें प्रोजेक्टर कहाँ पे है, लेकिन इसकी लाइटें अपन को ऐसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करी गई हैं जो फोकस देती हैं। कुछ अलग ही प्रकार की लाइटें हैं इसकी। तो ये लाइट का पार्ट है पूरा। इधर ब्लैक पियानो फिनिश में है, इसके जस्ट नीचे एक गैप है, इसमें कुछ लगवा सकते हैं आप। और इसकी मेन लाइट यही है, प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प अपन को इसमें मिलता है। और इधर ये फ्रंट में बात करें तो इधर ऐसे सर्कुलेशन डिज़ाइन में अपन को ऐसे ब्लॉक ब्लैक वाला पार्ट मिलता है देखने के लिए। और बात करते हैं टायर प्रोफाइल्स की, तो टायर प्रोफाइल्स अपन को मिलते हैं इसमें। अभी गाड़ी थोड़ी गंदी थी, टायर प्रोफाइल्स इसमें अपन को मिलती है 16 इंचेस के, मतलब 195/60R16 16 इंचेस के टायर मिलते हैं, वो कि अलॉय व्हील के साथ। इसमें डेल्टा प्लस में अपन को मेटेलिक ब्लैक कलर के अलॉय व्हील मिलते हैं देखने को। पिछले फ्रंट वाले व्हील में अपन को डिस्क ब्रेक मिलेगा, मतलब दोनों तरफ के टायर में अपन को डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगा। बाकी रियर वाले जो टायर हैं उसमें अपन को ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगा। और रियर की बात करें तो रियर से कुछ ऐसा व्यू निकल के आता है नेक्सा फ्रॉन्क्स का, सुजुकी का लोगो। इधर पूरा इधर से ऐसे LED कनेक्ट अपन को ब्रेक लाइट देखने को मिलती है इधर लेयर में 1, 2, 3 पूरा। इधर से ब्लैक पियानो फिनिश में है, इधर से लेके पूरा इधर था। इधर बात करें तो इधर अपन को डिफॉगर देखने को मिलता है, लेकिन भाई पर नहीं। भाई 11.5-12 लाख की गाड़ी में अगर डिफॉगर दे दिया है तो भाई पर भी दे सकते थे, लेकिन वही है ना कि अब अगर आप टॉप मॉडल लोगे तो उसमें आपको डिफॉगर भाई पर, इसमें डिफॉगर तो है लेकिन भाई पर नहीं है। भाई पर आपको इसके ऊपर वाले मतलब अल्फा प्लस में मिलेगा। और आप ये देख सकते हैं, ये अपन को स्पॉइलर देखने को मिलता है, इसी में ब्रेक लाइट है। इधर अपन को सारपेंटीना मिलता है, इधर रूफ रेस दोनों तरफ देखने को मिल जाती है। 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं और दोनों तरफ अपन को रिफ्लेक्टर मिलता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ल्यूमेक्स का मारुति से पुराना ही प्यार है, क्योंकि ल्यूमेक्स के अलावा मारुति कोई भी लाइट्स वगैरह कुछ भी लगा के नहीं देती। तो ल्यूमेक्स के ही इसमें अपन को रिफ्लेक्टर देखने को मिलते हैं। और इधर नेक्सा की बैजिंग, ऑब्वियस सी बात है नेक्सा की गाड़ी, क्योंकि नेक्सा की सभी लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी नेक्सा में ही आती है। और अपन को इधर फोल्डेबल मिरर मिलते हैं, इसी मिरर के इधर पे अपन को इंडिकेटर मिलते हैं। इधर फेंडिंग में कोई इंडिकेटर नहीं मिलता। इधर एक क्लेडिंग इधर से शुरू होगी फ्रंट से लेके, और पूरा क्लेडिंग वाला पार्ट अपन को इधर से उधर तक मिलेगा देखने को। इधर डोरेज गार्ड है, मतलब जैसे अपन गेट खोलते हैं तो कहीं दीवार में न लगे कहीं भी। और इधर डोर वाइजर भी अपन को कंपनी से ही विथ क्रोम के साथ मिलते हैं चारों, इधर से लेके इधर तक पूरे उस तरफ वाले भी, और ये अपन को इधर वाले भी पूरे चारों क्रोम फिनिश में मिलते हैं देखने के लिए। और इधर पे आप देखते हैं कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर देखने को नहीं मिलता है। इधर नॉर्मल सी की मिलेगी, नॉर्मल सी की वाला पार्ट है वो मिलेगा। जैसे अपन की देखते हैं, की अपन को नॉर्मल ऐसी मिलती है, सुजुकी का लोगो है एक तरफ, दूसरी तरफ लॉक अनलॉक देखने को मिलता है। और इसमें अपन जैसे ही इसको ऐसे लगाएंगे तो अपनी गाड़ी खुल जाएगी। वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ती क्योंकि उसमें लॉक अनलॉक वाला सिस्टम है। बाकी अभी चलते हैं इंटीरियर में, इंटीरियर को आपको बताएंगे क्या कैसा हिसाब है। इंटीरियर कुछ है इस तरीके से नेक्सा फ्रॉन्क्स का, आप देख सकते हैं।
बाकी इधर अपन को इधर नेक्सा ऐसा लिखे मिलेगा, जब भी अपन रात में डोर ओपन करेंगे आप देख पा रहे हैं इधर नेक्सा की लाइट अपन को शो हो रही है, मतलब जैसे एम्बियंस लाइट दिखती है वैसे ही। जब भी अपन रात में गेट खोलेंगे तो इधर ऐसा नेक्सा लिखा अपन को दिखेगा, अलग ही दिखेगा। और इधर ये है अपन डेर, डोर वाले पार्ट में आ जाते हैं तो डोर वाले पार्ट में अपन को चारों पावर विंडो मिलते हैं। इधर से ही मिरर्स के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं, इधर से ही लॉक अनलॉक पूरे, इधर से ही मिरर्स भी लॉक कर सकते हैं, इधर ऑटो लॉक भी है और चारों पावर विंडो है। और जैसा इस वाले डोर में टच है ऐसा ही पूरे चारों डोर्स में अपन को कलर टच मिलेगा। इधर ब्लैक फिनिश में है, इधर ब्राउन फिनिश में, इधर हल्का ये पूरा अपना कपड़े वाला पार्ट है, पूरा सॉफ्ट टच में मिलेगा। इधर वाटर होल्डर है और इधर पे अपन को म्यूजिक सिस्टम देखने के लिए मिलेगा। और इंटीरियर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा नेक्सा फ्रॉन्क्स का, आप देख सकते हैं। और आप ये देखिए, आप देख पा रहे हैं इधर भी इसमें अपन को एयरबैग देखने को मिलता है, मतलब इस गाड़ी में चार एयरबैग हैं, एक इधर पे एयरबैग है, एक उधर पे एयरबैग है को ड्राइवर मतलब को पैसेंजर के साइड में, और एक इसमें एयरबैग, नहीं, चार एयरबैग नहीं है इस गाड़ी में, इस गाड़ी में अपन को मिलते हैं 6 एयरबैग, मतलब 2 इधर फ्रंट डैशबोर्ड में, 2 इधर आगे वाली सीट में, 2 मिलेगी अपन को पीछे वाली सीट में, सॉरी फॉर से बट अपन को इस गाड़ी में 6 एयरबैग मिलते हैं। मतलब सेफ्टी के मामले में मारुति फ्रॉन्क्स में भाई साहब पीछे नहीं हटी है किसी भी तरीके से। अब आपको इंटीरियर का दिखाते हैं, इंटीरियर कुछ इस तरीके से नेक्सा फ्रॉन्क्स का, अभी आप देख सकते हैं इधर अपन को लाइट देखने के लिए मिलती हैं और इधर डे नाइट IRBM देखने को मिलता है जो कि इस तरीके से है, और इधर अपन को ऐसे धूप से बचने के लिए सब मिलता है। बट इसमें कुछ कोई सनग्लासेस होल्डर और कुछ भी नहीं है, इधर अपन को मिडिल में लाइट देखने को मिल जाती है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स भी भारी स्पेसियस मिल जाता है देखने के लिए। और स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग पे आपको कुछ वैसे ज़्यादा खास कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, बीच में सुजुकी का लोगो ऑब्वियस बात है लोग मिलेगा ही। और इधर कंट्रोल्स मिलेंगे अपन को वॉल्यूम अप डाउन करने के, वॉल्यूम कट करने के, कॉल अटेंड कॉल पिक करने के। इधर अपन को देखिए, आप इधर आप ये वाला पार्ट देखिए, ट्रैक्शन कंट्रोल वाला पार्ट है, आप इसको जैसे करेंगे आप जैसे वैसे रोड पर चल रहे हैं गीले वीले रोड पर और वो अच्छा रोड नहीं है तो उस पर आप ऐसे तो गाड़ी ऑटोमेटिकली एडजस्ट करी। इधर पे आप लाइट एडजस्ट कर सकते हैं और इसके जस्ट नीचे इधर पे थोड़ा स्पेस अपन को देखने को मिलेगा। और इधर पे बोनट खोलने के लिए, इधर पे पेट्रोल फ्यूल वैन टैंक खोलने के लिए है, और आप देख सकते हैं क्योंकि की है तो की अपन को नॉर्मल इधर पे लगेगी। और मीटर की बात करें तो मीटर आपको नॉर्मल देखने को मिलेगा, कोई भी डिजिटल देखने को नहीं मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई कितने भी पैसे खर्च करे हों मारुति ने इस चीज़ पे काम उतना अच्छा नहीं किया है, लेकिन कोई बात नहीं। जैसे आपको ब्रेजा का मीटर देखने को मिलेगा वैसा ही आपको नेक्सा फ्रॉन्क्स का मीटर देखने को मिलेगा। देख सकते हैं एक तरफ RPM मीटर है, एक तरफ स्पीडो मीटर है, एक तरफ आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा और लेफ्ट साइड आपको फ्यूल इकोनॉमी देखने को मिलेगी। इधर रेंज देखने को मिल जाएगा, इधर पे आपको मिल जाएगा टाइम देखने के लिए, उसके जस्ट नीचे टेम्परेचर देखने के लिए मिल जाएगा, बैटरी का देखने को मिल जाएगा और हैंड ब्रेक का सब चीज़ का देखने को मिल जाएगा। और बात करते हैं AC की, तो AC भाई साहब अपन को इसमें ऑटोमेटिक मिलता है, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक AC है पूरा ही, पूरे बटन्स के ऐसे कंट्रोल हैं, ऐसे ऊपर नीचे करने का है, फैन ऑन हो गया। और AC कंट्रोल, डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले अपन को मिलता है इसमें 10.5 इंचेस का, मतलब डिस्प्ले अपन को 10.5 इंचेस का मिलेगा, मैनुअल गियर मिलेगा इसमें। और 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाएगा, USB वाला है, USB लगा के आप कुछ भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। और भाई साहब कुछ इस तरीके से है पूरा अंदर का मामला, अभी रियल वाले उस पर चलेंगे, रियल वाले पार्ट पर क्या कैसा है। और बात करें रियर के इंटीरियर, वो फ्रंट के इंटीरियर की, तो जैसे मैंने अभी गेट पर दिखाया था आपको वैसे ही है। इधर अपन को ग्रे ऐसे पियानो फिनिश, मतलब जो बोलते हैं जैसे ब्लैक पियानो फिनिश होता है इसको बोल सकते हैं अपन, ग्रे या सिल्वर पियानो फिनिश में मिलेगा, हल्का उससे रफली है, फिर उसके बाद ये अपन को टच मिलेगा जैसे कपड़ा बटे, ये भी प्लास्टिक है। बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी मुझे अभी तक की सुजुकी की सभी गाड़ी में से अच्छी लगी नेक्सा फ्रॉन्क्स की, क्योंकि भाई जब इसका अपन गेट खोलते हैं तो आप गेट खोलो इसका गेट नॉर्मली नहीं खुलता, आप देख सकते हैं जैसे कि टाटा पंच की बिल्ड क्वालिटी, मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी भी ऐसे ही लगती है, बहुत ही ज़बरदस्त बिल्ड क्वालिटी है इस गाड़ी की। अब चलते हैं रियर वाले पार्ट में, तो रियर वाले पार्ट में कुछ है इस तरीके से है,
आप देख सकते हैं इधर भी आपको भारी भरकम स्पेस देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं आप आराम से, मतलब 3 बंदे आराम से बैठ सकते हैं। और भाई साहब इधर की बात करें तो इधर आपको कुछ ऐसा स्पेस मिल जाएगा देखने के लिए, और इधर भी एक 12 वोल्ट का चार्जर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। स्पेस की बात करें तो स्पेस इधर अपन कुछ भी ऐसा अपना नॉर्मल सामान रख सकते हैं। और बात करें रियर के स्पेस की तो हेडरूम भी बढ़िया देखने को मिलेगा और लेग रूम भी अपन को बढ़िया देखने के लिए ऐसे मिल जाएगा। आप नॉर्मली बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस तरीके से लुक आता है निकल के नेक्सा फ्रॉन्क्स का, रियर वाले व्यू से अगर अपन देखें तो कुछ इस तरीके से दिखती है अपन की नेक्सा फ्रॉन्क डेल्टा प्लस सेकेंड टॉप मॉडल, इस तरीके से अपन को देखने को मिलती है। अब चलते हैं आपको डिग्गी वाला पार्ट दिखाते हैं, क्योंकि भाई साहब इसकी डिग्गी भी बहुत ही बड़ी है। और सीट कवर्स की बात करें तो सीट कवर आपको लेदर्स में ही मिलेंगे, कंपनी खुद ही लगा के देती है। और म्यूजिक सिस्टम की बात करें तो म्यूजिक सिस्टम कंपनी इसमें 4 स्पीकर और 2 ट्विटर लगा के देती है। डिग्गी वाला पार्ट, डिग्गी की बात करें इधर पे एक बटन होगा, ऐसे बटन को आप जैसे दबाएंगे डिग्गी ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। आप स्पेस देखिए, स्पेस आपको कम से कम 200 लीटर के समथिंग मिलेगा, 200 प्लस ही है इसमें। आप देख सकते हैं इधर डिग्गी वाले पार्ट में अपन को क्या क्या देखने को मिलता है। इधर इधर अपन को स्टपनी वगैरह रखने के लिए सिस्टम है, स्टपनी इधर जैक वगैरह रखने का है, अपन जैक रख सकते हैं इधर पे। इधर एक हुक दिया गया है कुछ ऐसे हैंग करने के लिए, कुछ हैंग कर सकते हैं अपन। और इसका जो वो है, क्या बोलते हैं, स्टपनी, वो इसके नीचे देखने को मिलेगी जो कि अभी फ्रेश ही है। और इसमें टायर अपन को मिलते हैं गुडियर के, चारों 16 इंचेस के टायर मिलते हैं। और नीचे से कुछ इस तरीके से मामला है देखने का, आप देख सकते हैं नीचे से। और बात करें इसकी ग्राउंड क्लीयरेंस की, तो ग्राउंड क्लीयरेंस अपन को बहुत तगड़ा मिलता है, क्योंकि भाई 16 इंचेस के टायर हैं तो ग्राउंड क्लीयरेंस भी तगड़ा मिलेगा अपन को। ये समझ लो 190 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को मिल जाता है इस गाड़ी में। भाई साहब एक चीज़ है लेकिन, इसमें जो कंपनी ने मैट लगा के दिए हैं, पर अगर अपन नॉर्मल स्लीपर से चल रहे हैं, अगर लोकल में कहीं जा रहे हैं, तो अब जैसे ही गियर शिफ्ट के वो जैसे ही क्लेच दबाएंगे या ब्रेक कुछ भी एक्सीलेटर लेंगे, तो मैट अपने साथ ऐसे नॉर्मल खुद अपने साथ ऐसे खिसक के चली जाती है जैसे अभी जा रही है। तो ये कंपनी थोड़ी चेंज कर सकती है कि इसमें मैट अगर दूसरी कोई लगा दे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बाकी गाड़ी 11.5 लाख रुपये की है, ऑटोमेटिक एसी है, डिस्प्ले है, सब कुछ है, तो 11.5 लाख के हिसाब से गाड़ी बहुत ही अच्छी है। भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी भाई ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने चैनल में जुड़े रहिए। और अगर आप भी चाहते हैं अपनी गाड़ी का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना, तो ओनरशिप रिव्यू आप करा सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इंस्टा पर DM कर सकते हैं, NikhilSony08 मेरी इंस्टा ID है। और अगर यूट्यूब के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उस पर रिप्लाई करूँगा। अगर आपने कोई भी नई गाड़ी खरीदी उसका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल निखिल गैरेज।